दोस्तों मैथमेटिक्स बाय रघु सर्च करें और उसके सब्सक्राइब करें, और पास में अगर बेल आइकन दिखाई दें उसको भी आप प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए अगला वीडियो का। 29 दोस्तों आप लोगों को कहना चाहूंगा, जितना इसमें बना रहा हूँ इसको बनाते हुए, यानी कि सबका बनाते हैं, उसके बाद आपको जैसे कि एग्जाम होगा इसका भी आंसर इसी चैनल पे आपको भी मिलेगा। तो आपको चाहूंगा कहना कि आप अपना ये चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि आगे आपको जैसे कि नोटिफिकेशन मिलेगा कि अपना जितना वीडियो डालूंगा ना वो आपका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये ट्रायंगल एबीसी है और डीईएफ है, इसमें ए कमान दिया है 97 डिग्री और ये इसमें ई कमान दिया है 63 डिग्री। ठीक है, तो ये 63 डिग्री है तो ये भी क्या होगा 63 डिग्री होगा, क्योंकि ये दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है। समरूप रहता है तो सब कोण क्या होता है संगत कोण बराबर होता है, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर और ये सी जो होगा एफ के बराबर हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे इस कोण का मान यही कोण ये कोण 63 है, ये भी 63। अब ये त्रिभुज में दो कोण मान में तो तीसरा कोण क्या होगा 180 में से घटा लेंगे यानी दो दोनों कोण का जोड़ करके, यानी इस दोनों का जोड़ देते हैं 63 डिग्री और प्लस में 57 डिग्री जोड़ देते हैं। ठीक है, तो बचेगा बाकी शेष तो वही हो जाएगा सी का मान, इसमें घटाएंगे तो 180 डिग्री में से इस दोनों को जोड़ के 120 होगा और 120 घटाएंगे तो ये हो जाएगा 60 डिग्री। इसीलिए आपका आ गया कोण सी का मान जो हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 है। 30 क्वेश्चन है कि 1 प्लस टेन थीटा 1 प्लस टेन थीटा टेन ए प्लस सेक ए इंटू 1 माइनस 1 प्लस टेन कॉट है 1 प्लस कॉट ए माइनस में कॉसेक ए है। ठीक है, इस प्रकार दिया हुआ है तो इसका मान कितना होगा ये पूछ रहा है। तो जिसको सॉल्व करेंगे तो इसको जब साइन कॉस में दिया हुआ है तो इसको सॉल्व करने में बहुत भास लगेगा यानी भारी लगेगा, इसलिए हम इसको क्या करते हैं साइन कॉस में चेंज कर देंगे। यहाँ पे टेन कॉट का जो सवाल होता है अधिकतर को हम क्या करते हैं साइन कॉस में चेंज कर देते हैं। तो इतना प्लस हो जाएगा साइन थीटा साइन ए बट्टा, इसको देखिए नीचे में सब साइन आएगा इसलिए हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी कॉस आएगा सब में तो कॉस ए लिखेंगे हम यहाँ पे, इसको भी हम घटा के यहाँ पे कॉस ए लिखेंगे और यहाँ पे हो जाएगा प्लस एक। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये इतना हो गया, अब फिर इस टाइप से लिखेंगे यही चीज लिखेंगे तो यहाँ पे नीचे लिखेंगे साइन साइन ए। अब ये साइन ए होगा तो ये हो जाएगा कितना वन, ये भी साइन ए और ये हो जाएगा कितना कॉस है तो कॉस बटा साइन होता है इसलिए यहाँ पे कॉस ए होगा और माइनस में हो जाएगा यहाँ पे एक। अब देखिए यहाँ पे साइन ए प्लस कॉस ए माइनस प्लस में एक और साइन ए प्लस कॉस ए माइनस में एक, तो इसको हम क्या करेंगे ए मान लेंगे और इसको बी मान लेते हैं, इसको बी मान लिए और इस पूरा को हम ए मान लेते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे ए का होल स्क्वायर ए प्लस बी और ए माइनस बी वाला फॉर्मूला पे, यानी कि इसको हो जाएगा साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर कॉस ए का होल स्क्वायर और माइनस में वन का होल स्क्वायर और बट्टी हो जाएगा आपका कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो साइन ए प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर ए होगा फिर कॉस स्क्वायर ए होगा और ये हो जाएगा फिर प्लस में टू साइन ए कॉस ए। अब यहाँ माइनस वन का होल स्क्वायर माइनस में एक और बट्टे हो जाएगा कितना तो साइन ए कॉस ए। तो ये पूरा का मान तो एक होता है एक इसके और इस एक से कट जाएगा तो ये बचेगा टू साइन ए कॉस ए, यानी देखिए यहाँ पे टू साइन ए और कॉस ए बचेगा और यहाँ पे नीचे में होगा साइन ए और कॉस ए। ठीक है, ये दोनों वैल्यू क्या होगा कट जाएगा बचेगा दो, इसका भी आंसर आ गया दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 नंबर कि किसी बिंदु की वाई अक्ष से उस बिंदु का निर्देशांक क्या कहलाती है। देखिए यहाँ पे अगला सवाल भी कह रहा है कि कोई बिंदु है तो ये वाई अक्ष से क्या कहलाएगा, वाई अक्ष तो ये होता है ये एक्स अक्ष होता है तो ये वाई अक्ष से क्या कहलाएगा, तो ये वाई अक्ष से इधर ही होगा या इधर होगा तो ये एक्स का मान होगा, जो भी मान होगा वो एक्स का मान होगा इसलिए हम एक्स को क्या बोलेंगे हम भुज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे वाई अक्ष से दूर भुज कहलाता है। ठीक है, और एक्स अक्ष से दूर क्या कहलाएगा तो कोटि कहलाएगा। ठीक है, कोटि कहलाएगा। ठीक,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सवाल था कितना 31, तो ये क्या कहलाएगा, ऑप्शन आ गया आपका भोज, यही होगा आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 में कि बिंदु दो दिया है, बिंदु इन दोनों को मिलाने वाले वाई अक्ष को जिस अनुपात में बांटती है वह कौन सा अनुपात में बांटता है, तो इसको मिटा के दूसरा देखते हैं। ठीक है, कि सवाल नंबर यानी कि दो बिंदु दिया गया है, ठीक है, तो ये कह रहा है कि वाई अक्ष यहाँ पे जो कोई वाई अक्ष है वो किस अनुपात में बांटता है, तो वाई अक्ष पे होगा तो ये एक्स का मान जीरो होगा, वाई का मान कुछ होगा। ठीक है, तो इस दोनों का हम यानी कि इसका बिंदु निर्देशांक निकाल के देखते हैं। ठीक है, इसी दोनों फॉर्मूला वाला यानी कि विभाजन सूत्र वाला लगा के, विभाजन सूत्र लगा के हम इसका पी का निर्देशांक निकालते हैं। ठीक है, तो निकालिए पी का निर्देशांक, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे मान लीजिए कि एम वन है और ये एम टू के अनुपात में बांट रहा है। ठीक है, तो अब यहाँ पे एम वन के साथ वन को गुना करेंगे, एम वन इंटू वन और प्लस में एम टू इंटू इसका एक्स टू होगा मल्टीप्लाई, यानी एक्स वन से मल्टीप्लाई करिए, एक्स वन का मान कितना है, माइनस चार है। ठीक है, फिर बट्टे हो जाएगा एम वन प्लस एम टू हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि एम वन इंटू वाई, एम वन इंटू वाई वन माइनस टू और प्लस एम टू इंटू एम टू इंटू यहाँ पे हो जाएगा वाई टू वाई वन और बट्टे हो जाएगा कितना, कि ये एम वन प्लस एम टू। ठीक है, तो ये रहेगा आपका एम वन प्लस एम टू, ये रहा। अब यहाँ पे कह रहा है कि पी का मान क्या होगा, यानी कि इसका निर्देशांक निकालिए, तो यही निर्देशांक आपका क्या है, जीरो कमा वाई के बराबर है। ये क्या है, जीरो कमा वाई के बराबर है। ठीक है, जीरो कमा वाई के बराबर है। ठीक, तो जीरो कमा वाई के बराबर, तो ये पूरा निर्देशांक क्या होगा, ये एक्स का निर्देशांक एक्स का निर्देशांक के बराबर होगा। तो यानी कि हम ऐसे लिख सकते हैं, एम वन इंटू एम वन को मल्टीप्लाई करते वाई वन आएगा, माइनस में आ जाएगा फोर एम टू और बट्टी हो जाएगा एम वन प्लस एम टू। ठीक है, यहाँ एम वन है, ये बराबर होगा किसके, तो जीरो के बराबर होगा। अब इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई कर तो जीरो, यानी कि एम वन माइनस फोर एम टू इक्वल टू कितना हो गया, तो जीरो। अब इस फोर एम वन को इससे ले जाएंगे तो ये एम वन बट्टा एम वन बराबर हो जाएगा फोर एम टू। अब एम वन बट्टा हो गया एम टू, ये नीचे आ जाएगा और ये हो जाएगा फोर, नीचे में कुछ नहीं तो ये यहाँ हो गया फोर अनुपात एक में विभाजित करेगा वाई अक्ष। ठीक है, तो इस दो बिंदु को वाई अक्ष जो होगा वो चार अनुपात एक में विभाजित करेगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखते हैं 33। देखिए दोस्तों, इससे पिछला सवाल जो था उसमें हम भुज को हम एक्स निर्देशांक भी बोलते हैं, ये भी याद रख लीजिए कि भुज जो होता है, भुज को हम क्या बोलते हैं, एक्स निर्देशांक भी बोलते हैं, एक्स निर्देशांक भी कहते हैं। ठीक, तो वहां पे हम एक्स निर्देशांक भी लिखेंगे, तो ऑप्शन रहेगा कि भूज रहेगा तो भूज देंगे, नहीं तो एक्स निर्देशांक रहेगा तो एक्स निर्देशांक देंगे। इससे पिछला सवाल यानी 31 नंबर। ठीक है, तो नेक्स्ट सवाल है 33 नंबर, tan a का मान, tan a का व्युत्क्रम क्या होगा, tan a का व्युत्क्रम क्या होगा, तो tan a का व्युत्क्रम जो होता है cot a होता है, 1 by cot a। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1 by cot a। तो यहाँ पे cot, यहाँ पे व्युत्क्रम पूछ रहा है, तो यहाँ पे व्युत्क्रम ये नहीं लिखेंगे, इसको हम लिख देंगे डायरेक्ट cot a, ऑप्शन में आपका रहेगा cot a, ऐसा रहेगा। ठीक है, ये रहेगा आपका ऑप्शन में। ठीक, नेक्स्ट सवाल दिया है 34 में, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं होती है, तो ये हो जाएगा आपका, ऑप्शन में दे दिया है माध्य, बहुलक, माध्यिका, परिसर। तो ये बहुलक परिसर, परिसर जो है माध्य यानी कि बहुलक आपका हो जाएगा आंसर, यहाँ सॉरी परिसर, परिसर लिख दीजिए। ठीक है, परिसर। ठीक है, कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है, तो ये है परिसर। परिसर जो है इसका कोई क्या होता है, ये परिसर यानी शुरू और लास्ट के बीच में यानी कितना फैला होता है वो बताता है आपको। ठीक है, तो इसका कोई केंद्रीय मान यानी कि बीच का मान यानी कि नहीं निकलता है, या कोई बीच या का साइड का मान नहीं निकलता है, इसमें परिसर दिखाता है यानी कि कितना और कितना के बीच में है वो दिखाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा केंद्रीय प्रवृत्ति का मान परिसर है। ठीक है, परिसर नहीं है। ठीक है, केंद्रीय प्रवृत्ति का मान प्रवृत्ति को परिसर नहीं दिखाता है। ठीक है, ऐसा होगा। 35 नंबर देखिए, 35 नंबर सवाल कह रहा है आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है, आधार की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया है 2 सेंटीमीटर, तो बेलन की बेलन को पिघलाकर 6 सेमी त्रिज्या वाले ऊंचाई वाले एक शंकु बनाया जाता है, तो उसके आधार का त्रिज्या क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेलन है
तो बेलन में इसकी त्रिज्या कितना बोला है, तो इसका त्रिज्या बोला है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, और ऊंचाई बोला है 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अगला शंकु बोला है, शंकु में बदला जाता है, तो शंकु का ऊंचाई दिया है सिर्फ एच का मान दिया है कितना, एच टू कर देते हैं। ठीक है, एच टू का मान दिया है कितना, तो 6 सेंटीमीटर, तो आपको आर टू निकालना है। ठीक है, आर टू आपको फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे आर टू फाइंड करने के लिए आपको क्या करना होगा, 35 है इसमें, देखिए बेलन का आयतन और शंकु का आयतन क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि यहाँ बेलन से शंकु बनाया जाता है, बेलन से शंकु बनाया जाएगा तो उसका आयतन क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए यहाँ पे बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर शंकु का आयतन होगा, शंकु का आयतन। ठीक, तब बेलन का आयतन जो होगा आपका, तो बेलन का आयतन हो जाएगा कितना, पाई आर स्क्वायर एच होगा, और ये हो जाएगा 1/3 पाई, 1/3 पाई होगा, आर स्क्वायर एच होगा, ये होता है। तो यही आपका आर निकालना है, इसमें आर टू है, यहाँ एच टू है। ठीक, तो यहाँ पे पाई से पाई कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर का मान क्या है, 8 × 8 हो जाएगा, और एच का मान 2 है, और यहाँ पे 1/3 गुने, और यहाँ पे हो जाएगा एच टू का मान, ये पहले आर टू स्क्वायर होगा, और इंटू एच टू का मान 6 है, तो 3 × 6 हो जाएगा, 2 से कट गया, ठीक है, 2 से ये भी 2 कट जाएगा, यानी आर स्क्वायर 8 × 8 बराबर आर टू स्क्वायर, इसको मतलब आर टू लिख सकते हैं, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, आर टू का मान 8 हो गया, इसलिए आधार का त्रिज्या कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर आधार की त्रिज्या। सवाल नंबर 36 कह रहे 12 cosec A - 12 cot A, 12 cosec² A - 12 cot² A। ठीक है, इतना दिया हुआ है, तो इसमें क्या करेंगे, 12 कॉमन ले लेंगे, ये बचेगा cosec स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, तो ये 12 होगा, इसका मान क्या होता है, 1 होता है, इसका मान 1 यानी 12, ये हो गया 12 आंसर। ठीक है, कि एक निश्चित घटना की प्रायिकता कितनी होती है, तो एक निश्चित घटना की प्रायिकता होगी, वो निश्चित होना चाहिए, वो यानी कि होता ही है। ठीक है, वो निश्चित घटना की प्रायिकता होगा, वो निश्चित घटना की प्रायिकता 1 होगा। ठीक है, निश्चित घटना की प्रायिकता 1 के बराबर होता है हमेशा। ठीक है, वो निश्चित ही हो, लेकिन अनिश्चित का पूछा जाए तो 0 होता है। ठीक, फिर 38 सवाल है, यदि एक मीनार के पाद से 200 मीटर स्थित 200 मीटर दूर स्थित एक मीनार का उन्यान कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये एक मीनार है और मीनार से 200 मीटर की कलाई की दूर स्थित एक बिंदु है यहाँ पे, तो इसका डिग्री जो बन रहा है वो 60 डिग्री का कोण बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ मान लीजिए ए बी एक मीनार है, यहाँ सी बिंदु पर कोई व्यक्ति है, तो 60 डिग्री बना रहा है, इसका एच का मान पूछ रहा है, तो यहाँ पर लगाएंगे टैन, ये दोनों का समान होता है टैन में, इसलिए यहाँ पर लगाएंगे टैन 60 डिग्री, इसलिए लगेगा ए बी बटा बी सी। अब यहाँ पे टैन 60 डिग्री का मान √3 होता है, ए बी का मान एच है, और यहाँ पे क्या लेंगे 200, इसलिए एच का मान जो हो गया 200√3 हो जाएगा, ये रहा आपका ऊंचाई, मीनार की ऊंचाई। फिर 39 में देखिए करे कि यदि एक त्रिभुज पी से ओ केंद्र वाले किसी वृत्त पर पीए और पीबी स्पर्श रेखा खींची जाए और परस्पर 180 डिग्री पर 80 डिग्री कोण पर झुकी हो, तो पीओए का बराबर होगा किसके, यानी ये वृत्त है, ये ओ है, ये पी है, पी है, ए है, बी है, और यहाँ पे ओ बिंदु है, तो आपसे पूछ रहा है कि पीओए यानी कि ये कौन सा डिग्री होगा, ये 90 डिग्री है, और ये 180, ये पूरा 80 डिग्री पे झुका हुआ है, तो ये पूरा हुआ 40 डिग्री, और ये 40 डिग्री होगा, तो यहाँ पे होगा 50 डिग्री, 40 50 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री पहले से है, इसलिए यहाँ पे ये 40 हो गया, तो ये हो गया कितना कोण ए ओ पी बराबर, या पी ओ बी, पी ओ ए भी कर सकते हैं, इसमें कह रहा है आपको पी ओ ए निकालने के लिए, इसको हम ये भी कर सकते हैं पी ओ ए बराबर, यानी कि पी ओ ए बराबर कितना हो जाएगा, तो 50 डिग्री आ गया। ठीक है, क्योंकि ये 90 डिग्री होता ही है, ये 90 होता है, और ये 80 है, तो इसका 80 का आधार 40 हो जाएगा, और ये हो गया कितना 50 डिग्री, 40 50 90 90 100, ये हो गया 50 डिग्री। फिर 40 नंबर सवाल का है कि टेन 9 डिग्री और टेन 81 डिग्री टेन 60 डिग्री, टेन 9 डिग्री टेन 81 डिग्री टेन
60 डिग्री, ठीक है, तो 10 9 डिग्री और 81 डिग्री को मिला के 1 हो जाएगा, ठीक है, 10 और यहाँ पे 9 और 81, 9 और 81 दोनों मिला के 90 हो जाएगा, इसलिए इसको बदलेंगे, मान लीजिए 10 9 डिग्री है तो ये हो जाएगा cot 9 डिग्री, ठीक है, इसको बदल दिया 9 डिग्री आएगा और ये हो जाएगा tan 60 डिग्री का मान होता है रूट 3 और इस पूरा का मान हो गया आपका 1, तो 1 गुने रूट 3 बराबर हो गया कितना रूट 3, ठीक। नेक्स्ट सवाल है 41 नंबर, 41 में कह रहा है निम्नलिखित में से कौन द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 5 और माइनस 3 है, कौन सा द्विघात समीकरण होगा जिसका शून्यक क्या होगा 5 और 3 होगा, तो इसमें क्या करिए अल्फा प्लस बीटा निकाल लीजिए, ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा निकाल लीजिए, दो का शून्यक दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा माइनस 5 और 5 और प्लस माइनस 3 दिया है, इसको जोड़ के कितना आ जाएगा तो ये 2 हो जाएगा, और फिर इसको सॉल्व करिएगा अल्फा इंटू बीटा 5 गुने माइनस 3 ये हो जाएगा माइनस में 15 15 हो गया। अब यहाँ पे एक्स मूल निकालिएगा यानी बहुपद निकालिए, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा होता है तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो 2 है, 2 इंटू एक्स और प्लस में हो जाएगा कितना माइनस में 15, तो इतना हो गया बहुपद, अब ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 2 एक्स और माइनस में 15, इस बहुपद का शून्य होगा, ये जो बहुपद होगा वही हो जाएगा, ऐसा ही कर लीजिएगा बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42 नंबर, 42 में कह रहा है कि यदि वृत्त की जीवा की लंबाई वृत्त की स्पर वृत्त की त्रिज्या के बराबर हो, वृत्त की जीवा की लंबाई ये वृत्त की जीवा और त्रिज्या बराबर हो, ठीक है, ये भी बराबर हो, ये ए है ये भी ए है, तब आगे कह रहा है दोनों बराबर हो तो केंद्र पर बना कोण बनाया गया कोण क्या होगा, जब ये ए है तो ये भी ए मान लीजिए होगा, ठीक है, तो ये कोण केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो ये जब बराबर होगा ये क्या होगा समबाहु त्रिभुज बन जाएगा, ओ है ए है बी है, ठीक है, तो ये क्या बनाएगा समबाहु त्रिभुज बनाएगा, इसलिए समबाहु त्रिभुज के कोण पर क्या होगा यानी कि केंद्र पे भी 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री, यहाँ पे भी 60 डिग्री, इसलिए यहाँ पे केंद्र पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे बी ओ ए ओ बी बराबर, यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कोण ओ ए बी और बराबर में कोण ओ बी ए और बराबर में कितना होगा 60 डिग्री बनाएगा, तो केंद्र पे ही बना रहा है 60 डिग्री, ठीक है, केंद्र पर भी 60 डिग्री ही बनाएगा, ठीक, क्योंकि समबाहु त्रिभुज बन गया इसीलिए। अब अगला कह रहा है 43 नंबर, 43 नंबर कह रहा है कि द्विघात बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए एक्स प्लस सी बराबर जीरो है, बराबर जीरो है, उसका विविक्तर क्या होगा, विविक्तर जो होगा क्या होगा तो ये ए स्क्वायर होगा, बी के जगह क्या है ए स्क्वायर है, माइनस में 4 ए के जगह पे बी और सी तो सी है ही है, तो यहाँ पे बी सी इतना इक्वल टू जीरो, विविक्तर बराबर पूछ रहे हैं तो विविक्तर का मान पूछा बस इतना ही होगा यानी कि ए स्क्वायर माइनस में 4 बी सी ये जो ऑप्शन होगा वही होगा, ठीक है, उतार लीजिए। 44 में कह रहा है कि समांतर श्रेणी 5 8 11 14 दिया है, 5 है 8 है 11 है 14 है डॉट डॉट इन एपी में दिया है, ठीक है, ये एपी में दिया है तो इसमें कह रहा है 24 पदों का योग क्या है निकालने के लिए, ए का मान है 5, डी का मान है 3 और एन का मान हो गया कितना 24, क्योंकि 24 को पद करा है इसलिए 24 पद का योग, अब यहाँ पे एस 24 निकालेंगे तो ये हो जाएगा कितना 24 बट्टा 2, सूत्र होता है एन बाई 2 इंटू 2a, तो 2a के जगह पे हो जाएगा 5 और n माइनस 1 इंटू डी, तो n में से 1 घटेगा, इसमें से 24 में से गया तो 23 बचेगा, 23 में से अब यहाँ पे d का मान कितना है तो 3 है, ठीक है, ये हो गया 12, 2 से काटेंगे तो 12 हो गया और ये 12 बार 2 ये हो जाएगा 10, 15 10 23 किया हो जाएगा 69, इसको सम कर दीजिए 12 गुने इसको हो जाएगा 79, 79 से गुना करेंगे 12 नंबर 108 का 8 होगा 12 84 और 10 94 हो जाएगा 948 हो गया, यानी 24 पदक का जो 948 हो गया, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 नंबर कह रहा है कि 3a बराबर 90 डिग्री है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा जब 3a बराबर 90 डिग्री है इसलिए a का मान कितना हो जाएगा 35 डिग्री, ठीक है 30 डिग्री हो जाएगा, अब आगे 30 डिग्री हो गया तो कह रहा है कि sec a का मान कितना होगा, sec a बराबर क्या होगा, sec 30 डिग्री पूछ रहा है तो sec 30 डिग्री क्या होगा, ये होगा आपका रूट 2 बट्टा 3 रूट 3 होगा, ठीक है, cos का उल्टा होता है, cos का मान होता है रूट 3 बटा 2, इसलिए यहाँ पे हो गया 2 बटा रूट 3। यहाँ पे 46 नंबर क्वेश्चन है,
दो क्रमिक सम संख्याओं का महत्तम समापवर्तक क्या होता है? सम संख्या तो मान लीजिए दो हो, चार हो, छ हो, ये सब क्या होता है? सम संख्या है। और इस सब का जो मसो होगा, इस सब का कॉमन फैक्टर क्या होगा? तो एक ही होगा, सॉरी दो होगा। ठीक है, जो सम संख्या है तो सम संख्या में दो होगा, दो को लिख सकते हैं एक, फिर इसमें देखिए चार को भी लिख सकते हैं दो गुने दो, फिर छः को लिख सकते हैं दो गुने तीन, आठ को भी लिख सकते हैं दो गुने तीन चार। इसलिए इसका कॉमन फैक्टर जो है सौ में कॉमन होगा, यानी HCF बराबर जो होगी आपका दो होगा, HCF का मान दो के बराबर होगा। ठीक, अगला सवाल है सैतालीस। सैतालीस जो होगा कि साइन पहला 48 डिग्री है, साइन है 48 डिग्री माइनस कॉस 42 डिग्री, किसी एक को बदल दीजिए, साइन 48 डिग्री है 48 मान लीजिए, और माइनस में कॉस है तो कॉस में से क्या करेंगे, इसको बदलेंगे तो यहाँ पे कॉस 90 में से 48 घटाएंगे तो ये बचेगा, ये साइन 48 डिग्री और माइनस में हो जाएगा कॉस, कॉस से ये भी हो जाएगा साइन, कॉस से ये भी हो जाएगा साइन 48 डिग्री, और दोनों मान बराबर है इसलिए मान हो गया। ठीक है, अगला है 48 नंबर। 48 में कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक दिया हुआ है और पूछ रहा है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो शीर्ष दिया हुआ है तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर जो होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल वो होगा 1/2। यहाँ तीन पॉइंट दिया हुआ है तो यहाँ पे एक्स वन का मान होगा कितना, दो दिया है, और वाई टू का मान दिया है कितना, तो पांच माइनस, देखिए यहाँ पे कोई ऐसा फिगर है, ये ए बी सी है, ठीक, ए बी सी है, तो यहाँ पे ए बी सी में यहाँ की सबका निर्देशांक दिया हुआ है, तो सबका निर्देशांक दिया है 2.3, 4.5, 2.3 है, बी का मान लिया 4.5, 4.5, और अगला निर्देशांक तीसरा 7.2, 7.2। यहाँ पे देखिए एक्स वन इसको माने, एक्स वन वाई वन, एक्स टू वाई टू, एक्स थ्री वाई थ्री, ठीक है, ऐसा मान लिया, तो एक्स टू का मान एक्स वन का मान कितना है, तो दो है, वाई टू का मान कितना है, तो पांच है, और वाई थ्री का मान कितना है, तो दो है, इसको घटा दीजिए, और फिर एक्स टू का मान कितना है, तो चार है, तो चार होगा। ठीक, अब उसके बाद कर रहा है कि वाई थ्री माइनस वाई वन, वाई थ्री का मान कितना है, तो दो है, माइनस में क्या करेंगे, तीन घटा देंगे, प्लस में एक्स थ्री का मान कितना है, सात है, और फिर वाई वन माइनस वाई टू घटाएंगे, वाई वन में से वाई टू घटाएंगे, पांच यानी तीन में से पांच घटाएंगे, तो ये इतना आएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, इसको लिखेंगे तो दो गुने इसको घटा के तीन आएगा, और प्लस में चार गुने इसको भी लिखेंगे घटा के तो माइनस में एक बचेगा, और प्लस में सात गुने इसको भी घटाएंगे तो माइनस में टू बचेगा। ठीक है, ये इतना आ गया, तो आगे जो आएगा आपका देखिए, तो ये 1/2 होगा, 1/2 हो गया, इंटू 3×6 होगा, 6+ ये हो जाएगा माइनस में, हो जाएगा माइनस में चार, और ये हो जाएगा माइनस में 7×14। तो देखिए यहाँ पे ये क्षेत्रफल है, तो क्षेत्रफल क्या होता है, हमेशा धनात्मक लेते हैं, तो 1/2 हो गया, अब ये बचेगा 14 माइनस 14 4 18, 18 में से 6 गया, तो बचेगा माइनस में कितना, यानी कि माइनस में बचेगा 12, ये मॉडलस में ये बाहर निकलेगा, यानी कि 1/6 हो गया, माइनस 1/2 लिखेंगे और ये हो जाएगा 12, मॉडलस हट गया, ये हो गया 6 स्क्वायर यूनिट हो गया, इसको बोलेंगे बारिक इकाई, बारिक इकाई। ठीक, अगला सवाल है 49-50, दो बच गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49, ये कह रहा है कि साइन थीटा इंटू टेन थीटा का मान कितना होगा, तो साइन थीटा को हम इसमें साइन थीटा रहने देते हैं, इसको टेन थीटा को साइन थीटा बटा कॉस थीटा भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, साइन स्क्वायर थीटा और टेन स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे इसको हम क्या बता देंगे, कॉस में उधर इसको उल्टा कर दीजिए, इसका ऑप्शन में दिया है कितना कि कॉस थीटा, यहाँ पे कॉस थीटा है, ठीक है, ये कॉस थीटा है, ये कॉस थीटा है, तो ये कॉस थीटा क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक, तो ये बचेगा कितना, तो साइन थीटा, ये हो गया आपका आंसर। फिर अगला 50 में लास्ट दिया है कि यदि दो वृत्त की वृत्त एक दूसरे को अंतः स्पर्श करता है, यदि दो वृत्त है, ये एक वृत्त है और एक और वृत्त है जो इसको अंदर से विभाजित करता है, यानी कि स्पर्श करता है, अंतः स्पर्श करता है, यानी कि अंदर से स्पर्श करता है। ठीक है, अंदर से स्पर्श करेगा तो इसके उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा की लंबाई कितना होगा, तो यहाँ पे उभयनिष्ठ जो है एक ही बिंदु पे टच करा है और यहीं पे एक ही स्पर्श रेखा होगा, इसलिए यहाँ पे एक स्पर्श रेखा होगा। ठीक है, स्पर्श रेखा, यह हो गया आपका आंसर। ठीक,
जितने भी वीडियो देखे जितने भी आदमी देखे उसके लिए थैंक्स कहना चाहूंगा। और ये आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ये अगला वीडियो जितना डालूंगा आपको पता चल जाएगा नोटिफिकेशन में, और इसीलिए आप सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड को ताकि उन्हें भी फायदा हो।